क्या बात है डॉक्टर जी, आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। मेरी सीटी स्कैन की रिपोर्ट सब ठीक है ना? कोई टेंशन की बात तो नहीं है? मिसेस सोडी, टेंशन की बात सोडी, आपके पेट में कांच का टुकड़ा है। देखा, मैंने तुझे कहा था ना। और वो भी बहुत बड़ा। देखिए। मैं नहीं दे सकता, तू दे क्या? हमें ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? नहीं नहीं। देखिए मिस्टर सोडी, आपके पेट में कांच का टुकड़ा है। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो इंटरनल इंजरी बढ़ जाएगी। अरे ये क्या हो गया पिडू? वो आज तक इंजेक्शन नहीं लगा और अभी सीधे डायरेक्ट ऑपरेशन। सोडी, तुझे करवाना ही पड़ेगा ऑपरेशन। और रोशन, उसको कैसे बताएंगे, उससे कैसे ये सब छुपाएंगे यार? अरे हाँ यार, तेरी हालत तो वो चक्र में फंसे अभिमन्यु की तरह हो गई है यार। पिडू, रोशन को जब मेरी पार्टी शार्टी का पता चलेगा तो उसको कितना गुस्सा आएगा यार। उसको जब पता चलेगा कि मेरे पेट में कांच है तो उसके दिल को कितनी तकलीफ होगी। सब मेरी गलती है यार पिडू, कितना मुझसे प्यार करती है और मैं उसको हमेशा टेंशन में देता रहता हूँ। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ यार उसको। लो, डॉक्टर हाथी का भी फोन आ गया। हेलो, जी सर, जी हाँ, सिटी स्कैन की रिपोर्ट आ गई। सर, इनके पेट में बहुत बड़ा कांच का टुकड़ा है। जी, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। जी सर, आप आ रहे हैं? ओके। मुझे एक मिनट फोन दीजिए प्लीज। सर एक मिनट। हाथीपुरा, कोमल भाभी को मत बताना कि मेरा ऑपरेशन है। कोमल भाभी को क्यों नहीं बताना है? रोशन को पता चल जाएगा यार। डॉक्टर हाथी, प्लीज किसी को भी मत बताना और आप जल्दी आ जाओ। थैंक यू। हेलो डॉक्टर निजी। डॉक्टर निजी, ऐसा नहीं हो सकता बिना ऑपरेशन के मेरे पेट से ये कांच निकल जाए। जी नहीं मिसेस सोडी। ये जरा सोचिए ना, कुछ याद कीजिए, कोई नई टेक्निक आई हो। सोडी तू क्या बात कर रहा है भाई, तू मुझे एक बात बता, तू बिना कार का बोनेट खोले इंजन चेक कर सकता है? तो बिना ऑपरेशन के कार कैसे निकलेगा? जरा ठंडे दिमाग से सोच। देखिए, अब सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा।